मौलाना कलवे जब्बाद हमारे साथ है। जब्बाद साहब ये बताइए कि राजनाथ सिंह के बारे में कहा जाता है कि अटल जी के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान राजनाथ सिंह को मत करता है। ये जुमले सबसे पहले मैंने ही कहे थे, ये आप दोहरा रहे हैं। मैंने कहे थे कि इसमें अटल जी की छवि पाई जाती है और ये यहाँ पर लखनऊ में बहुत ज़्यादा, ये पूरे इंडिया में लेकिन लखनऊ में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किए हैं और जितने काम इन्होंने किए आज तक किसी भी MP ने इतने काम लखनऊ में नहीं किए जिन्होंने। और अब भी बार बार 13 बताया, उन्हें अभी मिले थे तो यार 13 पुल इस पर पास हो चुके हैं इंडिया लखनऊ के लिए। तो इस वजह से लखनऊ वाले यूँ पहले ही तो पसंद करते थे इनको, अब तो और ज़्यादा इनकी जो मकबूलियत है और क्या जो है लखनऊ वालों का प्यार इनसे बहुत बढ़ गया है। मोदी जी को कितना प्यार करते हैं मुसलमान? अब मोदी हम यहाँ से मिलने आए यहाँ भी, तो मोदी जी और इनमें जाहिर है कि एक ही पार्टी है, तो लिहाजा जो सम्मान इनका वही सम्मान उनका भी है। लेकिन सर ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी है मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रही है ऐसा दावा वो कर रही है, आपको लगता है वो कुछ कर रही है? देखिए हमारा कहना ये है कि पूरे हिंदुस्तान की तरक्की होना चाहिए। जब पूरे हिंदुस्तान की तरक्की होगी तो हर एक की तरक्की हो जाएगी उसमें। ये अलग अलग आप बांटना नहीं है, इसको इधर बांट दे, इधर उसको बांट दे, उसको इधर बांट दे, बांटना आपको नहीं है, सबकी एक साथ तरक्की होना चाहिए और हो रही है सबकी एक साथ। राजनाथ सिंह की जीत कितने से होगी? मैं तो समझता हूँ इस वक्त तो हिस्टोरिकल होगी, साल तो हिस्टोरिकल कह रहे हैं लोग कि 5 लाख पार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी हिस्टोरिकल बहुत होगी क्योंकि हमारे शिया भाई भी जो है बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट देने के लिए तैयार हैं और हम तो समझते हैं हिस्टोरिकल जीत उनकी होगी। मुसलमान बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इनको देंगे? हम तो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम शिया फिरके की बात कर रहे हैं। शिया बहुत देंगे आपको? शिया फिरका से तकरीबन 90% शिया फिरका ही होगा। और जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है उनको? उन्हीं ने कुछ किया नहीं है लिहाजा उनको तो अब समझ तक नहीं मिला, नहीं मिला। समाजवादी पार्टी तो दावा करती है कि मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए हैं। नहीं नहीं कोई दावा, जो है वो सही नहीं है। हमेशा हमने कहा चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी कोई पार्टी, इन्हें मुसलमानों से छीना है, मुसलमानों को दिया नहीं। अच्छा इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं? नहीं तो छीना है, छीना है, दिया नहीं है। कुछ किया अलग जात है, छीना है, छीना है, दिया कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? जो गठबंधन कांग्रेस, ये गठबंधन खुलने वाला है, हाँ। गठबंधन है, हाँ। इसकी रस्सी बहुत कमजोर है, हाँ। लिहाजा ये गठबंधन जो है वो ज्यादा दिन का नहीं है, ज्यादा दिन का स्वार्थ का गठबंधन है। हाँ ज्यादा दिन का नहीं है, बहुत कमजोर रस्सी है, हाँ। जिससे यही गठबंधन हुआ है, हाँ। और हम तो समझते हैं कि ये गठबंधन ज्यादा ज्यादा बाकी रहने वाला है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी कामयाब होगी? राहुल अखिलेश की जोड़ी कामयाब होगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलवेद जब्बाद साहब, ABP न्यूज से बात करने के लिए। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ।